कांचीपुर गांव में अर्जुन नाम का व्यक्ति रहता था। वो मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कंचन और माँ कावेरी थी। कावेरी अपनी बहू कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करवाना चाहती थी, ताकि वो बहुत सारा दहेज ले सके। कंचन बहुत ही शालीन, सीधी और सर्वगुण संपन्न थी। वो हर काम को बड़े ध्यान से करती थी, लेकिन फिर भी कावेरी उसके हर काम में कुछ न कुछ कमी निकाल कर उसे ताने मारती रहती थी। एक दिन कंचन खाना बना रही थी और रसोई में गर्मी होने के कारण कंचन ने पंखा चला रखा था। ये देखकर कावेरी बोली, अरे ओ महारानी, रसोई में पंखा चलाने से गैस ज्यादा खर्च होती है। गैस तेरे मायके से नहीं आती है, पैसे लगते हैं। कंचन कुछ देर में खाना तैयार करके सबको खिलाती है। तभी कावेरी बोलती है, पता नहीं तू कैसा खाना बनाती है, घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, बस हमारे माथे पटक दिया। अरे ऐसा खाना खिला कर मुझे मारना ही चाहती है तो सीधा ही बता दे, मैं जहर खा लूँगी। उसके बेटे अर्जुन ने कहा, क्या माँ, आप भी हमेशा इसे डांटती रहती हो, इतना अच्छा खाना तो बनाया है इसने। हाँ तू तो है ही चोरू का गुलाम, इतने सालों तक पाल कर तुझे बड़ा किया है, कभी तूने अपनी माँ की तारीफ की है? इस तरह कंचन दिन भर अपनी सास के ताने सुनती रहती। एक दिन कंचन अपने मायके से लौटी तो अपने साथ अपनी सहेली के कुछ गहने लेकर आई और अपनी सास को दिखाने लगी। सासू माँ, उगादी आने वाला है, इसलिए मैं अपनी सहेली से गहने लेकर आई हूँ। इसमें से आपको जो पसंद आए वो आप रख लो, उगादी के बाद गहने उसे लौटा देंगे। गहने देखकर कावेरी सोचने लगती है, यही सही मौका है, दहेज की सारी कसर पूरी कर लेती हूँ। फिर अगली रात कावेरी सारे गहने चुरा लेती है और खिड़की का कांच तोड़ के नाटक करने लगती है। हाय लुट गए रे चोर, सब चुरा के ले गए, सारे गहने ले गए। गहने चोरी होने की बात सुनकर कंचन बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं अपनी सहेली को गहने कैसे लौटाऊंगी, मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगी? अरे तुम दुखी क्यों होती हो, हमारे पास कुछ बचत के पैसे हैं और अभी उगादी के समय वैसे भी मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बढ़ जाती है, तो उससे भी हमारी मदद हो जाएगी। और तुम ही तो कहती हो कि मुसीबत के वक्त भगवान हमेशा साथ देते हैं, तो तुम अब भगवान पर भरोसा रखो और तालाब जाकर मिट्टी ले आओ, मुझे आज ज्यादा बर्तन बनाने हैं। कंचन तालाब जाते वक्त सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक ग्वाला आ जाता है और कंचन से उसकी उदासी का कारण पूछता है। क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रही हो, कोई परेशानी है? ग्वाले के पूछने पर कंचन ने उसे सब बता दिया। तो ग्वाले ने कंचन को एक हांडी देते हुए कहा, एक दिन एक जंगल में मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे ये हांडी दी थी और कहा था कि कोई जरूरतमंद दिखे तो उसे दे देना, ये लो ये हांडी तुम रखो, इससे तुम्हारी मदद जरूर हो जाएगी, बस तुम घर जाकर इसमें उगादी चटनी बनाकर भगवान को भोग लगा देना। घर जाकर कंचन ने उसमें उगादी चटनी पकाया और जैसे ही हांडी में उगादी चटनी बनाई, सारा उगादी चटनी सोने में बदल गया।
और चटने की खुशबू महसूस करते ही कंचन का पूरा शरीर सोने के गहनों से भर गया। कंचन हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो सोने में बदल गया, ये तो जादुई हांडी है। हे भगवान, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। कंचन खुशी के मारे उछल पड़ती है और जल्दी से जाकर अपनी सास को हांडी के बारे में बताती है। वारी मेरी बहू, क्या बात कर रही है, जादुई हांडी, चल जल्दी चल, मुझे भी तो दिखा सोना देने वाली हांडी। कावेरी जैसे ही हांडी के पास जाती है तो उसके सारे गहने लोहे के बन जाते हैं और हांडी के जादू से वो सब सच बोलने लगती है। सच्चाई जानकर कंचन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी सास को माफ कर देती है और जादुई हांडी से सबकी मदद करती है।